नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशंस। दोस्तों, महाराष्ट्र में 1,00,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज है। उन्हीं हाउसिंग सोसाइटीज में से एक में मैं रहता हूँ। मेरे आसपास बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज है, उसमें मेरे दोस्त रहते हैं। मेरे कई दोस्त हैं जो अक्सर शिकायत करते हैं कि उनकी हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन या सेक्रेटरी या ट्रेजर या मैनेजिंग कमेटी का कोई मेंबर्स पैसा खाते हुए पाया गया है, यानी करप्शन करते हुए पाया गया है। ज्यादातर जो करप्शन किए जाते हैं वो होता है कि बिल्डिंग का मरम्मत का काम देना और उसमें पैसा खा जाना। कैसे पैसा खाते हैं, मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। एक जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने बताया कि उनकी हाउसिंग सोसाइटीज के जो मैनेजिंग कमेटी है, उसने बिल्डिंग के मरम्मत के लिए यानी रिपेयर के लिए, क्रैक फिलिंग के लिए कई कोटेशंस मंगवाता है। सबसे कम कोटेशन है 9,27,000, यानी 9,27,000 का। लेकिन जब एजीएम में वह प्रस्ताव लेकर के आया तो 9,27,000 के बदले उसने प्रस्ताव रखा 11,00,000 से लेकर के 12,30,000 रुपए के बीच तक का। यानी जो मूल कोटेशन है वो 9,27,000 का है, लेकिन जो मैनेजिंग कमेटी है उसने 9,27,000 के बदले 11,00,000 से लेकर के 12,30,000 तक का बताया और सोसाइटीज के मेंबर्स ने उसे पास कर दिया। क्योंकि कोटेशन 9,27,000 का, यह बात सिर्फ मैनेजिंग कमेटी और उस कमेटी के जो चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर है वही जानते हैं, बाकी सोसाइटीज के मेंबर्स तो जानते नहीं, उनको जो बताया गया वो वही जानते हैं। अब सोचिए, जब ये काम दिया गया होता तो जो कोटेशन देने वाला कॉन्ट्रैक्टर है उसको तो 9,27,000 रुपए मिलते और बाकी के जो पैसे हैं वो कहां जाते, आप खुद ही अंदाजा लगाइए। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि जब बिल्डिंग के रिपेयर के काम दिए जाते हैं तो उसमें पैसे गबन होते हैं हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर या मैनेजिंग कमेटी के मेंबर द्वारा। यही नहीं, बहुत सारी मैनेजिंग कमेटी के जो चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर होते हैं वो तो सोसाइटीज में दादागिरी भी करते हैं और जो सोसाइटीज के लिए जरूरी काम करना होता है वो काम भी नहीं करते हैं। दादागिरी इस मतलब में, मान लीजिए कि कोई सोसाइटी मेंबर्स अपने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, वो ट्यूशन नहीं पढ़ाने देता है। इसके अलावा और सारे उदाहरण मिलते हैं दादागिरी करने के, जैसे किसी मेंबर्स का पानी बंद करवा देना। कुछ हाउसिंग सोसाइटीज में एडवोकेट सेक्रेटरी होते हैं, यानी वकील, वो तो केस के बदले कोटेशन पास करवाते हैं। और इसको इस तरह से आप समझिए कि जो सबसे कम कोटेशन आया हुआ रहता है उससे 500 या 1,000 रुपया कोटेशन कम करके मंगवाते हैं अपने चहेते या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनसे, और फिर उस कॉन्ट्रैक्टर का कोटेशन पास करवाते हैं और उसके बदले में वो केस लेते हैं। तो ये भी एक तरह से करप्शन का ही चार्ज होता है। लेकिन करप्शन का जो ये मुद्दा है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर जानते तो है कि करप्शन कौन कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ शिकायत नहीं करते हैं, क्योंकि शिकायत करने की प्रक्रिया काफी लंबी है, काफी उबाऊ है, काफी खर्चीला है, काफी पैसे खर्च होता है इसमें। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब महाराष्ट्र सरकार ने शिकायत करना और उसके खिलाफ निपटारा करना काफी आसान बना दिया है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या है ये हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के सहकारिता विभाग ने सहकार संवाद नाम से वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका इस्तेमाल करना काफी आसान है। वेबसाइट है www.sahakarsamvadhousingfed.in। आप अपने स्क्रीन पर वेबसाइट का एड्रेस देख सकते हैं। ये वेबसाइट इस तरह बनाई गई है कि इससे शिकायत करने वालों और शिकायत का निपटारा करने वाले अधिकारियों दोनों को प्रतिक्रिया में की गई कार्रवाइयों के साथ साथ सभी शिकायतों की प्रगति और स्थिति को आसानी से ट्रैक करने की सुविधा है। वेबसाइट में हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों द्वारा आमतौर पर उठाई जाने वाली 24 प्रकार की शिकायतों के निपटारे के लिए विकल्प है। इन शिकायतों में शामिल है गलत प्रतिनिधित्व यानी मिस रिप्रेजेंटेशन, शेयर प्रमाण पत्र यानी शेयर सर्टिफिकेट, सदस्यता यानी मेंबरशिप, नामांकन यानी नॉमिनेशन,
गैर अधिभोग शुल्क यानी नन ऑक्यूपेंसी चार्जेज, प्रीमियम ट्रांसफर यानी ट्रांसफर प्रीमियम, प्रतियां नहीं देना नॉन सप्लाई ऑफ कॉपीज, अभिलेखों से छेड़छाड़ या उसका विनाश, टेम्परिंग सप्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, भुगतान या दस्तावेजों को स्वीकार न करना, सोसाइटी के रिकॉर्ड एवं पुस्तकें, वार्षिक लेखा या रिपोर्ट, कोई अन्य मामला, निधियों का दुरुपयोग, चूककर्ता या अयोग्य सदस्य, निधियों का निवेश यानी इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, खातों का मिलान यानी रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट या ऑडिट सुधार रिपोर्ट, ऑडिट और ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट, चुनाव नहीं कराना नॉन कंडक्टिंग इलेक्शन, चुनाव में नामांकन की अस्वीकृति, गैर आयोजित सामान्य निकाय बैठक, समिति की बैठक न बुलाना, रिटर्न और विवरण न भरने पर समिति द्वारा इस्तीफा। तो ये ऐसे मामले हैं, अगर आपको पता चलता है हाउसिंग सोसाइटी में तो आप इसके खिलाफ में ऑनलाइन वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं। आमतौर पर शिकायत करने के लिए रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या स्थानीय जो निकाय होते हैं उसके दफ्तरों में चक्कर लगाना होता है, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना होगा। अब आपको सिर्फ वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन शिकायत कर देना है, उसके समर्थन में सबूत दे देना है। ध्यान रहे कि संबंधित सोसाइटी का सदस्य या प्रोस्पेक्टिव सदस्य ही शिकायत कर सकता है। आप सोच रहे हो कि इसकी शिकायत ऑनलाइन कैसे करना है, तो उसकी प्रक्रिया भी आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट का पता तो आपको पता ही है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लेकिन फिर भी आप नोट कर ले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो वेबसाइट का पता है www.sahkarsambadhousingfed.in। वेबसाइट को होम पेज पर ही शिकायत पोस्ट करें यानी लॉज अ कंप्लेन आइकन पर क्लिक करना है। अपनी शिकायत के संबंध में 200 शब्दों या उससे कम में सटीक और संक्षिप्त जानकारी देना है। अपनी शिकायत को मजबूत करने के लिए प्रासंगिक सहायक दस्तावेज अपलोड करना है जो कि 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। अब तो आपने शिकायत कर दिया, तो शिकायत करने के बाद अब आगे क्या होगा ये भी जान लीजिए। एक बार शिकायत दर्ज होने के बाद आपकी शिकायत कार्रवाई और समाधान के लिए सहकारी समितियों के संबंधित संयुक्त या उप या सहायक रजिस्ट्रार को निर्देशित की जाएगी। निश्चिंत रहें कि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण अधिकारियों द्वारा सभी शिकायतों पर नजर रखी जाएगी, निगरानी की जाएगी और उसकी पुष्टि की जाएगी। एक बात और आपको बता दूं कि आप अपनी शिकायत को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं। आपकी शिकायत पर कार्रवाई कहां पहुंची ये आप ऑनलाइन उसी वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं। अपनी दर्ज की गई शिकायत की स्थिति और प्रगति की निगरानी के लिए अपनी शिकायत को ट्रैक करें यानी ट्रैक या कंप्लेन अनुभाग का उपयोग करें। संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाइयों पर वास्तविक समय के अपडेट तक पहुंचे, यानी जिस वेबसाइट के जरिए आपने कंप्लेन लॉन्च किया है उसी वेबसाइट के जरिए आप अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी शिकायत पर कहां तक सुनवाई पहुंची है। सोच रहे होंगे कि क्या ये सुविधा फ्री है, तो जी नहीं, इसके लिए आपको शुल्क देना होगा। प्रत्येक शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता को ₹50 का मामूली शुल्क देना होगा। सदस्यों से एकत्र किए गए शुल्क का उपयोग पोर्टल के रखरखाव और अपडेट के लिए और विशेष रूप से सहकारी आवास समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। तो ये तो रही पूरी प्रक्रिया की, घर बैठे अपनी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में कंप्लेन कैसे करें, लेकिन अपनी हाउसिंग सोसाइटी से जुड़ी 24 शिकायतों का ही निपटारा इस वेबसाइट के जरिए मुमकिन है। तो बाकी की शिकायत के लिए आपको कहां जाना होगा ये भी जान लीजिए। दूसरी शिकायतों के निपटारा के लिए आप कोऑपरेटिव कोर्ट, सिविल कोर्ट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या स्थानीय प्राधिकारी, पुलिस, अपनी सोसाइटी या अपने फेडरेशन की AGM, जिला या राज्य फेडरेशन में जाना होगा। सभी के अलग अलग क्षेत्राधिकार हैं, तो किस शिकायत के लिए कहां जाएं वह भी जान लीजिए। तो सहकारी न्यायालय यानी कोऑपरेटिव कोर्ट में किस स्थिति में आप शिकायत कर सकते हैं, तो पहला है प्रबंध समिति के चुनाव के मामले में, प्रमुख मरम्मत, रिसाव या अतिरिक्त मरम्मत के मामले में, फ्लैट या फ्लैट के आवंटन के मामले में, निर्माण लागत में वृद्धि हो जाती है उस मामले में, डेवलपर या ठेकेदार या वास्तुकार की नियुक्ति के मामले में, असमान जलापूर्ति यानी अन इक्वल वाटर सप्लाई के मामले में, बकाया राशि की अधिक वसूली यानी एक्सेस रिकवरी ऑफ ड्यूज के मामले में आप सहकारी न्यायालय का रुख कर सकते हैं। सिविल कोर्ट
में किस स्थिति में जा सकते हैं, किन शिकायतों के मामले में जा सकते हैं, किन शिकायतों को लेकर के आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं। अनुबंध का विशिष्ट निष्पादन यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, घटिया निर्माण सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन, सोसाइटी के पक्ष में कन्वेंस डीड इन फेवर ऑफ द सोसाइटी, निर्माण लागत में वृद्धि एस्केलेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, और नगर निगम या स्थानीय प्राधिकारी के पास किन शिकायतों को लेकर के आप जा सकते हैं। तो अनधिकृत निर्माण या परिवर्धन या परिवर्तन के मामले में, यानी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन या एडिशंस या अल्टरनेशंस के मामले में, अपर्याप्त जलापूर्ति यानी इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई के मामले में, उपयोगकर्ता का परिवर्तन चेंज ऑफ यूजर के मामले में, संरचनात्मक मुद्दे स्ट्रक्चरल इश्यूज के मामले में, संपत्ति कर या स्ट्रीट लाइट या कचरा आदि के मामले में, यानी प्रॉपर्टी टैक्स, स्ट्रीट लाइट, गार्बेज के मामले में। कुछ मामलों में आपको पुलिस के पास जाना होगा, जैसे जहां कानून व्यवस्था का मामला आता है, जैसे हाउसिंग सोसाइटी में आपको किसी ने परेशान किया, आपके साथ छेड़छाड़ की, आपके साथ मारपीट की, गाली गलौज किया, तो ऐसे मामले में आप पुलिस के यहां जा सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई धमकी देता है, आप पर कोई हमला करता है या कोई दंगा फसाद कराता है, तो आपको पुलिस के यहां जाना होगा। आम सभा की बैठक में आपको कुछ बातें उठानी होगी, जैसे गैर रख रखाव यानी नॉन मेंटेनेंस, यानी हाउसिंग सोसाइटी का मेंटेनेंस अगर ठीक ठाक से नहीं किया जा रहा है, तो आप इसका मुद्दा आम सभा की बैठक में उठा सकते हैं। आपको बता दूं कि हर साल हाउसिंग सोसाइटी को एजीएम बुलाना होता है, और एजीएम मैनेजिंग कमेटी बुलाता है, और एजीएम में हाउसिंग सोसाइटी के एजेंडे की बात होती है, क्या क्या हाउसिंग सोसाइटी में काम करवाना है, उन सब चीजों पर बात होती है, है ना। इसके अलावा बोर्ड का प्रदर्शन नहीं होता, उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं एजीएम में। एक्सेस फाइन अगर आप पर लगाया जाता है, ज्यादा जुर्माना लगाया जाता है, तब आप शिकायत कर सकते हैं एजीएम में। खुले स्थानों का उपयोग का मामला एजीएम उठा सकते हैं। बीमा का मामला, आर्किटेक्ट की नियुक्ति का मामला आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी की एजीएम में उठा सकते हैं। हर साल एजीएम करना जरूरी होता है कानून के मुताबिक। कुछ शिकायतों को आप डिस्ट्रिक्ट या स्टेट फेडरेशन में ले जा सकते हैं, जैसे कि सचिव को अगर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, तब सदस्य या प्रबंध समिति की स्वीकृति नहीं दी जा रही, तब विशेष सामान्य निकाय बैठक या प्रबंध समिति की बैठक आयोजित करने में कोई दिक्कत आ रही है, तब तो आपने जाना कि आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करना काफी आसान हो गया है, इंसाफ पाना काफी आसान हो गया है हाउसिंग सोसाइटी को लेकर। इसके अलावा आप दूसरी शिकायतों को कहां कहां कर सकते हैं, इसके बारे में आपने जाना। फिलहाल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की शिकायत दर्ज करने के इच्छुक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रार के दफ्तर का दौरा करना होता है, दफ्तर का चक्कर लगाना होता है, लेकिन उम्मीद करें कि नई सुविधा से उनकी ये मुश्किल कम हो जाएगी। तो हाउसिंग सोसाइटी के लोग अपनी शिकायतों के निवारण के लिए नई सुविधा का लाभ उठाएं और शिकायत करने से मत हिचके। हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशंस में आज इतना ही। इस वीडियो या हाउसिंग सोसाइटी से जुड़ा कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।